अस्सलामु अलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि पेमेंट जो है फर्स्ट सेम की वो कब तक आ जाएगी, कितना टाइम उसमें लगेगा, तो उसी को हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो एंड तक देखिए वीडियो, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे या प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, तो आप मुझे वहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तो उसको जो है हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन हो गई है उनका तो छोड़ो, अभी जिन स्टूडेंट्स की पेंडिंग है तो उनको मैं बता दूं कि वेरिफिकेशन जो है AICTE की तरफ से वो प्रोसेस चल रही है पिछले 10-15 दिनों से। तो स्टेप बाय स्टेप हर स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा, हर स्टूडेंट की जो है DBT को वेरीफाई कर दिया जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की वेरीफाई हो गई है, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपकी DBT वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है? तो जहाँ पे आपको दिखा रहा है वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट, एक ही एक्शन पेंडिंग, उसका कोई भी मसला नहीं है, वो कॉलेज वालों ने अपना काम कर दिया है, वो पोर्टल में एरर है, उसी की वजह से जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट दिखा रहा है। वो रिसेप्ट वगैरह जो भी दिखा रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो टेक्निकल एरर है उसमें साइट में, तभी वो, क्योंकि वो कॉलेज के पोर्टल पे होते हैं, वो आपके पोर्टल पे नहीं होते हैं, तो वो कॉलेज की साइट होते हैं, वो आपके पोर्टल पे नहीं होते, वो टेक्निकल एरर है कुछ उसमें, तभी आपको वहाँ पे वो दिखाता है। तो उसमें परेशानी लेने की कोई भी बात नहीं, वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है सभी स्टूडेंट्स का, और जिस जिस स्टूडेंट का वो अपडेट हो रहा है उसको जो है वो पोर्टल वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, और वो रिसेप्ट वगैरह जो भी हैं वो कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखाता है। और जो वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट है वो भी वहाँ से हट जाता है, और वहाँ पे चढ़ता है आपको स्कॉलरशिप नॉट कंप्लीटेड, और ऊपर जो है ऑडिट एप्लीकेशन जो आपको दिखा रहा था DBT स्टेट्स के साथ, उसकी जगह आपको पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। जब आपको ये पॉइंट है, एक पेमेंट डिटेल, फी रिसेप्ट वगैरह हट जाए और स्कॉलरशिप नॉट कम्प्लीटेड जो है वो पेंडिंग एक्शंस में आ जाए, तो आप समझ लेना कि आपकी DBT जो है वो AICTE से वेरीफाई हो गई है। और जहाँ पर DBT स्टेट्स का दिखा रहा है सबमिटेड, जिन स्टूडेंट्स का वहाँ पर सबमिटेड दिखा रहा है उनकी जो है वो वेरीफाई नहीं हुई है, उसको जो वहाँ पे AICTE अप्रूव्ड या PMSS AICTE वेरीफाइड ऐसा कुछ आ जाएगा, अप्रूव्ड या वेरीफाइड वहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे सबमिटेड आपका है, तो आप समझ लेना कि आपकी DBT जो है वो वेरीफाई हो गई है AICTE की तरफ से। तो उसके बाद जब आपकी DBT वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद एक हफ्ते या 10 दिन तक जो है पोर्टल आपका फुल्ली अपडेट हो जाता है, और पेमेंट डिटेल्स में जो है आपको 50,000 की इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी, उसमें एक इंस्टॉलमेंट होगी 20,000 की और 3 इंस्टॉलमेंट्स जो होंगी वो 10,000 की। तो पहले उनका जो है स्टेटस दिखाएगा आपको पेंडिंग विद PMSS, पेंडिंग विद PMSS के बाद जो है ये अभी 50,000 का होगा, पूरे 50,000 का होगा जिनका वेरीफाई हो गया है, और जिनका जो वहाँ पर वो पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है बट वो 50,000 वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो वो वेट कर लो, उसको पहले तो 3 या 4 दिन लग जाते थे उसमें, लेकिन अभी मे बी 5-10 दिन तक वो जो है एक हफ्ते तक अपडेट हो जाएगा। तो 50,000 जब वहाँ पे आपको दिखेंगे, आप पोर्टल चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको वो दिखेंगे 50,000, उसके बाद जो है आपको सिर्फ 20,000 ही फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेंगे, जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी 20,000, उसको जो है पहले वो PMSS में होगी, उसके बाद हेड PMSS में होगी, उसके बाद फाइनेंस में। इन 3 स्टेप्स को कंप्लीट होने में उसको लग जाते हैं 10 से 15 दिन, कभी कभी 20 दिन भी लग जाते हैं। जब यहाँ से 20 दिन फाइनेंस तक वो गई, देन फाइनेंस जो है फाइनेंस से जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्कॉलरशिप, वहाँ से पहले तो 1 हफ्ता लग जाता था, 1 हफ्ते से 15 दिन, आज 1 महीना तक भी लग जाता है, लेकिन अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको उतना टाइम नहीं लगे, वहाँ से भी आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लग जाएंगे 15 दिन। नियर अबाउट जब आपको वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद 1 महीना जो है आपको लग जाएगा वहाँ से हेड PMSS, PMSS से और फाइनेंस में जाने के लिए। तो फाइनेंस में जब आपकी जाएगी, फॉर एग्जांपल आपको जनवरी के पहले या 2nd हफ्ते में फाइनेंस में पहुंच गई वो, देन उसके बाद आपको पता होगा कि शायद आपको ये पता नहीं होगा कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ को तो पता होगा कि स्कॉलरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हफ्ते, महीने के एंड हफ्ता जो होता है लगभग 20 तारीख के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो आपके अकाउंट में 20 तारीख के बाद जो है वो स्कॉलरशिप आ जाती है। तो अगर आपको महीने के पहले हफ्ते में फाइनेंस दिखा रहा है बीइंग प्रोसीड बाय फाइनेंस, या मतलब ऐसा कुछ फाइनेंस का वहाँ पे है, या रीइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस, वो भी एक स्टेप आता है फाइनेंस के बाद, अंडर प्रोसेस जो है रीइंबर्समेंट आती है, तो जब रीइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस आ जाएगी उसके बाद 3 से 4 दिन टू डेट इज़ याद रखिए, या तो आपको जनवरी के एंडिंग में आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी, अगर तब तक आपको जो है फाइनेंस में गया
मतलब 10 से 15 जनवरी के बीच में, अगर आपको मतलब 15 जनवरी तक अगर आपका स्कॉलरशिप जो है वो फाइनेंस में गया, देन 25 के बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर नहीं जाता है देन फरवरी एंडिंग में जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ओवरऑल ज़्यादा चांसेस जो है वो फरवरी एंडिंग में जो है स्कॉलरशिप आ जाएगी ओवरऑल मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, जिनकी वेरीफाई हो गई या जिनकी अभी पेंडिंग भी अगर किसी की है तो वो अपने दिमाग में ये बिठा दो कि 20,000 जो है वो अब या तो आपको जनवरी के एंडिंग में आने वाले हैं या तो फरवरी के एंडिंग में आने वाले हैं। इस दिसंबर में किसी भी नए स्टूडेंट को जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो है आपकी प्रोसेस चल रही है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम जो है तो उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा, और आपका स्कॉलरशिप एक भी रुपया वो खाएंगे नहीं। अगर आप कॉलेज में प्रेजेंट हो तो आपको 50,000 मिलेगा, अगर आपको जाना है तो भी 50,000 मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं पूरे फर्स्ट सेम की देन आपको सिर्फ 20,000 ही मिल जाएंगे। अगर आप मतलब आधा सेम ऑनलाइन निकालते हो आधा सेम ऑफलाइन, फिर आपको वहाँ पे कंटिन्यूशन में जो है ऑफलाइन मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है पिछले वीडियो में, तो आपको उससे क्या होगा आपको पूरे 50,000 आ जाएंगे। तो आप ये परेशानी ना लें क्योंकि पिछले 1-2 साल से सिर्फ 20,000 ही मिल रहे थे कुछ स्टूडेंट्स को, वो कॉलेजेस बंद थे और क्लासेस जो थे वो ऑनलाइन चल रही थी, तो उसकी वजह से क्या था कि स्टूडेंट्स को जो है सिर्फ 20,000 से बुक्स वगैरह का खर्चा जो है उसी के लिए सिर्फ 20,000 ही मिल गए थे एक सेम में। तो इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम ओवरऑल 99% कॉलेज जो है वो ओपन है। अब अगर किसी कॉलेज में अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको 20,000 तो पहले सबको मिल ही जाएंगे। देन उसके बाद जिस भी टाइम सेशन स्टार्ट हो जाता है देन आपको जब कॉलेज में आप वहाँ फिजिकली जाएंगे तो आपको जो है बिल्कुल जो है 30,000 जो पेंडिंग रहते हैं वो भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस मंथ में किसी स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप आने वाली नहीं है, तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ कॉल और मैसेजेस करना बंद करिए इस स्कॉलरशिप के बारे में। आप अपना पोर्टल कंटिन्यूअसली चेक करते रहिए, वहाँ पे जब आपको फाइनेंस में दिखाई देगा देन आप जिस मंथ में आपको फाइनेंस में दिखाई देगा उस मंथ के एंडिंग में आपको जो है वो स्कॉलरशिप आ जाएगी। ओवरऑल जनवरी एंड या फरवरी एंड आप जो है दिमाग में बिठा लो, उस टाइम आपको जो है स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। होपफुली जो स्कॉलरशिप के रिलेटेड आपको डाउट्स थे, पेमेंट के रिलेटेड डाउट्स थे और प्रोसीजर भी थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आती है, तो अभी आपके डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बता दो,